हमारी और आपकी कमर पे बोझ रखा हुआ है। किसने देखा? हमने नहीं देखा, मोहसिन ने इंसानियत ने देखा। ये तुम्हारी कमर पे बोझ रखा हुआ है, इस बोझ को उतारोगे कैसे? फखफ्फूहा, इसको हल्का कर दो, खफीफ कर दो। बेतूले सुजूदकुम, सजदों को तूल देने के जरिए से। वाकयन इंसान अगर तसव्वुर करे तो परवरदिगार आलम की बारगाह में इससे बेहतर अंदाज और क्या होगा। आमतौर पर हमारे और आपके दरमियान लोग सजदे तो करते हैं, मगर सजदहाए मुख्तसर करते हैं। ऐसे सजदे ना कीजिए जैसे कि कौवा ठोंगे मार रहा हो। यह भी जुमला रिवायत का, मेरे अपने अल्फाज नहीं है। ऐसा सजदा ना कीजिए कि जैसे कौवा ठोंगे मार रहा हो। सजदा ऐसे कीजिए कि इस ख्याल के साथ कि जितना झुकोगे खुदा उतना उठाएगा। किसी शख्स ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ बातें बयान की सवालात की शक्ल में। उनमें एक सवाल ये किया, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझे आपके साथ रोज़े क़यामत महशूर करे। अल्लाह के रसूल के साथ महशूर होना आसान नहीं है। आपकी शफात और है, आपका क़ुर्ब और है, आपकी बरकत और है, आपकी माइयत और है। बरकत तो हर मोमिन मोमिना के लिए है, शफात हर मुहिब फातिमा जहरा के लिए है। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन शफात का मतलब ये नहीं है कि आप साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलने के लिए अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया, या रसूलल्लाह कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मैं आपके साथ मैशूर किया जाऊं, आपके साथ उठाया जाऊं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर चाहते हो कि मेरे साथ मैशूर किए जाओ, अपने सजदों को तूल दिया करो। देखिए नमाज के सजदे तो तूलानी नहीं हो सकते, ऐसे तूलानी जिससे नमाज की शक्ल बिगड़ जाए। मसलन आपने सजदा किया, 20 मिनट गुजर गए, दो रकत नमाज फजर की थी, 20 मिनट का एक सजदा हो गया, तो 40 मिनट के दो सजदे, खूब तो 80 मिनट के चार सजदे, तो नमाज कज़ा होने पर आ गई, नमाज खत्म नहीं हो रही और वक्त तमाम हो रहा है। कोई भी ऐसे सूरे की तलावत करना जिससे नमाज की जो हैयत है वज़ई वो ख़त्म हो जाए, उस सूरे की भी इजाज़त नहीं है, और ना इतना तूल देने की इजाज़त के नमाज की शक्ल मुतासर हो जाए। अलबत्ता वाजिब वाजिब नमाजों के सजदों के अलावा आम सजदा है।